ठीक है, इन शॉर्ट रन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शॉर्ट रन में हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड है सब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स के प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स नो प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन है। और थर्ड है सब नॉर्मल, यानी लॉस हो रहा है फर्म को। ठीक, फर्म अपने बिजनेस को जब तक के शट डाउन नहीं करेगी जब तक उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। फर्म अपना बिजनेस जब शट डाउन करेगी जब उसको एवरेज वेरिएबल भी ना मिले, वेरिएबल दूर के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले, तो फर्म अपने बिजनेस को क्या करेगी, शट डाउन कर देगी। ठीक है, ये देखें कर्व बना आपके सामने। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, MR and MC। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसमें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं यूनिट 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्राइस, प्राइस 10 है। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्राइस कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो प्राइस कांस्टेंट है, एक जैसी कीमत है। जहां से भी आप परचेस करेंगे आपको प्राइस एक ही पे करनी पड़ेगी। अब टोटल रेवेन्यू कैसे आएगी, प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करें। 10 × 1 10, यानी 10 × 1 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30 एंड 10 × 4 = 40। ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई। आपने क्या फार्मूला अप्लाई किया, पी मल्टीप्लाई क्यू या पी मल्टीप्लाई यू कह लें। यहाँ पर प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी आ गई टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और ये टोटल रेवेन्यू देन आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आती है, जब हम टोटल का डिफरेंस ले रहे होते हैं, यानी 10, ये 10 आ गया, 10 × 20 का डिफरेंस 10, 10 × 30 का डिफरेंस 10 और 30 × 40 का डिफरेंस 10। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू है, MR मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किस तरह आती है, जब आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं यूनिट से, यानी 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 40 को 4 से डिवाइड किया 10। ठीक है, तो उस समय ये क्लियर हो गया कि हमारे सामने टेबल बना हुआ है, इसमें पी, MR और AR तीनों इक्वल है। पी भी 10 आ रहा है, यानी प्राइस भी 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ रही है और एवरेज रेवेन्यू भी 10 आ रही है। ठीक, अच्छा, अब इस टेबल की बेस पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये रहा। यानी यूनिट्स मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4, ये यूनिट्स रख लिए 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट्स ही आ गए। ठीक है, अच्छा 4 यूनिट्स हो गए। प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को डिस्कस नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इनका ग्राफ बनाएंगे हम। क्या आ रहा है, 10 फर्स्ट पे, 10 सेकेंड पे, 10 थर्ड पे, 10 फोर्थ पे, 10। जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, एक पैरेलल लाइन बन गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन गई, एक हॉरिजॉन्टल। तो हमें क्लियर हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू सब इक्वल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया कि ग्राफ में MR, AR
और पी की जो लाइन होगी वो हॉरिजेंटल होगी, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन होगी। ये जो आपके सामने लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एम आर की, ए आर की और पी यानी प्राइस की लाइन है, और ये फर्म इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच शॉर्ट रन में हमेशा फर्म की जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसमें ये जो एम आर ए आर और पी की लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आगे जो कर्व बनेगा उसमें ये लाइन कैसे बनेगी, असल कर्व है ये है असल ग्राफ। परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, अभी हमने पीछे थ्री कंडीशंस डिस्कस की थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, थ्री कंडीशंस हमने डिस्कस की थी, एम आर और एम सी कॉन्सेप्ट में हमने थ्री कंडीशन डिस्कस की थी। तो ये जो आपके सामने कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन आपके सामने आई है ग्राफ की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में थ्री कंडीशन डिस्कस की थी, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, ये सुपर नॉर्मल का कर्व आपके सामने बना हुआ है, ये हो गया आपके सामने टोटल, ये है मेन जो कर्व है वो ये है, मैंने कर्व फाइनल बनाने, ये तो थ्री स्टेप्स में आपको दिखाया ताकि पता चले ये फाइनल कर्व बना किस तरह है। ये फर्स्ट पार्ट है कर्व का, मेन है, इसमें कुछ भी इफेक्ट शो नहीं किया हुआ हमने। सेकंड में हमने एसी कर्व शो कराया और थर्ड में आपके सामने एक कर्व बन गया। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, ये बताया था, अभी एक मतलब और मैं क्लियर कर दूँ पीछे जाके, ये देखें ये रहा कि परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर ये टू पॉइंट्स आ रहे हों। फर्स्ट, एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ है ग्राफ, ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, इस पॉइंट पर भी एम सी एम आर कट कर रहा है एक दूसरे को और इस पॉइंट पर भी एम सी एम आर कट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट हमें क्लियर कर रहा है, द मार्जिनल कॉस्ट यानी एम सी कट इट्स एम आर फ्रॉम बिलो, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे। देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यूं बनाऊंगा कर्व, ये ऊपर से ये लाइन ऐसे कट किया, एम सी ने एम आर को ऊपर से कट किया और कट करके नीचे आया और फिर एम सी ने दोबारा एम आर को नीचे से कट करके ऊपर चला गया। वो पॉइंट जहां पर एम सी ने एम आर को नीचे से कट किया, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और यहां पे हमने लगा दी एक लाइन और ये आपका है ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ई है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, टी आर शो नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है, टोटल रेवेन्यू शो नहीं करते इसमें। एम आर ए आर और पी, ये स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ाई थी हमने, पीछे बताई थी किस तरह बनेगी। उसके बाद एम सी का कर्व, ये एम सी का कर्व हमने मार्जिनल कॉस्ट जब किया होगा उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस में जो एम सी का कर्व बनाया था ऐसे बनेगा। ठीक है, वरना वो चैप्टर जाके देखिएगा, उसमें टेबल बने हुए, उस टेबल के बेस पर जब आप कर्व बनाएंगे एम सी का तो उसी तरह का कर्व बनेगा एम सी का, यानी वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर एम सी एम आर को नीचे से कट करे। देखिए, एम सी ने ये अंदाजन बनाया, कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, ये एम सी हमने बनाना शुरू किया, ये ऐसे एम सी ने एम आर को ऊपर से कट किया, फिर एम सी नीचे चला गया और फिर एम सी ने एम आर को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला नहीं है, इसलिए कि इसमें एम सी एम आर को ऊपर से कट कर रहा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें दिखाएंगे एवरेज कॉस्ट का। इसमें देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं ये सिंपल है, तीनों तरह के पोजीशन में यानी सिचुएशन में एक कर्व बनेगा। सुपर नॉर्मल की बात कर लें, नॉर्मल की बात कर लें, या फिर आप क्या कहते हैं सब नॉर्मल की बात करें, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल की बात कर लें, उसमें एक कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, जिस तरह बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये जो ए सी है ये एम आर को नीचे से कट कर रहा है,
यानी आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है, ACMR के कर्व से नीचे है। देखिए नीचे रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, इसका मतलब है जो गैप आ रहा है वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका फाइनल कर्व है। ये कर्व मैं आपको आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, उसको गौर से आप देखिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ। आप ठीक है, ये आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड निकाल लिया है और व्हाइट बोर्ड पे हम क्या करेंगे, इधर बनाएंगे हमको, ये देखें। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम कौन सा कर्व बना रहे हैं, MC और MR। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये कहलाती है आपकी MR AR और P। सही है, ये आपकी है MR AR और P, MR AR और P। क्या हो गया, आवाज आ रही होगी यार, क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज। MR AR और P का कर्व है हमारे पास ये। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, और ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमने बनाया MC का कर्व। ठीक है, अच्छा, ये जो टोटल आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपके टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं भाई टोटल रेवेन्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारी टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल रेवेन्यू ये है आपकी। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू आपकी हो गई है, यानी ओ ये हो गया आपका, समझे, कुछ और नाम दे दीजिए, टी दे दीजिए, टी, ओ टी, ये आपकी टोटल रेवेन्यू। ठीक, सेकंड ये आ गया आपका MC। ये MC हो गया आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इधर भी MC और MR कट हो रहे हैं और इस पॉइंट पर भी MC और MR कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इन टू पॉइंट्स पर MC MR कट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, मगर ये जो अभी हमने कर बनाया, MC ने MR को ऊपर से कट किया, फिर नीचे आया, और फिर MC ने MR को नीचे से कट के, जो नीचे से कट करके ऊपर गया, ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई लिख दिया। अब कैसे पता चले, अच्छा कौन सा पढ़े इस वक्त, हम हमारा कर्व है सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर शॉर्ट रन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर क्या है,
इसको हमने मिसाल के ऊपर नाम दे दिया ए। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं टोटल रेवेन्यू कितनी है आपकी? तो आप बोलेंगे सर टोटल रेवेन्यू हमारी है टी ई ए ओ, ऐसे ही टोटल रेवेन्यू कितनी है टी ई ए ओ, ये टोटल रेवेन्यू है आपकी, ठीक है? अब हम इसमें क्या शो करा रहे हैं? अब हम शो करा रहे हैं इसके अंदर क्या शो करा रहे हैं? हम शो करा रहे हैं इसके अंदर इफेक्ट। अब इफेक्ट शो करा रहे हैं, तीनों कर्व ऐसे बनेंगे जिस तरह भी आपके सामने कर्व बना हुआ है ना, तीनों कर्व वैसे बनेंगे, तीनों ग्राफ ऐसे बनेंगे। इसमें अभी कोई इफेक्ट शो नहीं कराया, ठीक है? एसी का कर्व बनेगा तो इफेक्ट शो होगा। अब एसी देखते हैं, ये आ गया आपका एसी, एवरेज कॉस्ट, ठीक है? अब नजर आ रहा है हमें कि एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है। ये एवरेज रेवेन्यू कर दे रहा है, ए आर ज्यादा है, एसी कम है। एसी कहाँ कट कर रहा है? ये रहा, ठीक है? एसी कम है और ए आर ज्यादा है, तो उनका डिफरेंस प्रॉफिट होगा। एसी कितना है? एसी ये रहा। एसी को हम नाम दे दें? हाँ दे दें भाई, एसी को हम नाम देते हैं बी सी और डी। ठीक है, ये हमारे क्या है? कॉस्ट है। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं कॉस्ट कितनी है हमारी? कॉस्ट कितनी है हमारी? तो आप बोलेंगे सर हमारी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है डी सी ए ओ, डी सी ए ओ ऐसे ही है, डी सी ए ओ ये टोटल कॉस्ट हो गई। यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई ये। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये आपकी रेवेन्यू है, ठीक है? और ये आपकी कॉस्ट है। रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, समझ रहे हैं? रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। यहाँ तक कोई चीज क्लियर नहीं तो पूछ लीजिएगा, ठीक? अच्छा, जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो बीच में क्या आया? बीच में प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट है, ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं प्रॉफिट कितना है? तेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट आपका है टी टी ई सी डी, टी ई सी डी आपका प्रॉफिट है। गुड, ठीक है? तो ये आपका हो गया ग्राफ, खत्म हो गया कल। ये स्ट्रेट लाइन क्या थी? एम आर ए आर पी आपका
स्ट्रेट लाइन थी, फिर आपने पहले एम सी को शो कराया, ठीक है, ये एम सी था आपका, एम सी के टू पॉइंट्स थे जहाँ पर एम सी और ए सी अपने आप को इक्वल आ रहा है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इन टू पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? इन टू पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहां पर एम सी एम आर को नीचे से कट कर रहा है, ठीक है, तो ये एम सी यू बना ऊपर से कट के एम आर को, फिर ये एम सी नीचे आया, फिर इसने ये इसको कट करके ऊपर चला गया, तो एम सी ने एम आर को नीचे से यहाँ कट किया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर हमने शो कराया कि ए सी, हमें ए सी कम दिखाना है इसलिए कि इधर देखें हमें रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो हमें ए सी ए आर ज़्यादा दिखाना है, आपकी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो हमने एवरेज रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाने के लिए कॉस्ट को नीचे से बनाया, यहाँ से बनाया, इससे ये हुआ कि टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट कम है, ये क्लियर हो गया रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, ठीक है, बाकी जो गैप आ रहा है बीच में ये प्रॉफिट है आपका। टोटल रेवेन्यू कितनी है? टी ई ए ओ, टी ई ए ओ, ये आपकी टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट डी सी ए ओ, ये आपकी टोटल कॉस्ट, नीचे वाली कॉस्ट है ये, ठीक है, जब ये रेवेन्यू है और कॉस्ट इतनी है तो ये जो बचा ये क्या है? ये प्रॉफिट है आपका। प्रॉफिट कितना है? टी ई सी ओ सी डी, सॉरी टी ई सी डी, ये आपका प्रॉफिट है। इसमें क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही? ये अब वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप इसको 10 मरतबा देखिएगा, आपको आज के समझ में क्या कोई मसला थोड़ी है। मैंने बहुत डिटेल से आपको एक ग्राफ समझाया है, एक एक चीज़ आपको समझाइए, वरना उसमें जो बना हुआ था अगर मैं उसी में समझा देता आपको तो शायद क्लियर नहीं होता, ठीक है, बट मैंने जो है इधर आपके सामने बना के एक एक चीज़ दिखाई है, तो हाँ अच्छी बात है, क्लियर है। तो हाँ वीडियो भी देखिए ना, फिर वीडियो में तो फिर आप उसको 10 मरतबा देख लें, हाँ बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए तीन ग्राफ बनेंगे ना, अभी हमने जो इफेक्ट शो कराया ये है सुपर नॉर्मल का, ये जो इफेक्ट हमने शो कराया ये सुपर नॉर्मल का इफेक्ट था, ठीक है, इसके बाद बनेगा नॉर्मल का इफेक्ट, उसके बाद बनेगा सब नॉर्मल का इफेक्ट, थ्री इफेक्ट्स हमें शो कराना है इसके अंदर, अभी एक एक इफेक्ट शो हुआ है, कौन सा था? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इफेक्ट था, टी ई डी सी क्या है ये बोल रहे हैं आप, टी ई सी डी ये है प्रॉफिट है, ये ऐसे कर रहे हैं, देखिए इस तरह कर रहे हैं, टी ई सी डी, टी ई सी डी, ये जो है ना ये वाला पार्ट ये प्रॉफिट है, कोई फॉर्म नहीं है इसकी, फुल फॉर्म थोड़ी है कोई, ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है कि टी का मतलब ये है और डी का मतलब, समझाने के लिए पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ना, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्या है, मतलब टी डी सी को कोई फॉर्म थोड़ी है कोई। समझ रहे हैं आप? और कुछ अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ इस क्लियर ना हो तो इन अल्फाबेट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप बताइए, अपना नाम मत लिख दिएगा इधर, हाँ कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी लिख दें, टी की जगह आप कुछ भी लिख दें, एस लिख दें, एल लिख दें, एम लिख दें, एन लिख दें, कुछ भी लिख दें, बट आप जब यहाँ पे क्लियर करेंगे ना इधर, जैसे मैंने अभी आपके राइट हैंड पे क्लियर किया है टी आर क्या है, टी सी क्या है, टी पी क्या है, तो इसकी बेस पर हमें ग्राफ समझ में आएगा यहाँ कि ये,
वो मैं आपको बता दूंगा प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ऑनलाइन देनी है या फिर फिजिकल। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि फिजिकल अगर क्लास कोई एक भी हमें मिल जाती है तो हम उसमें प्रेजेंटेशन ले लेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर हम ऑनलाइन ले लेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हो या फिर बाकी आपके जो है असाइनमेंट्स हो, ये जो मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए देता हूँ, ये ग्राफ्स हो, मिड टर्म हो आपका जो हुआ है, तो इन सब की बेस पर आपका रिजल्ट। और अटेंडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटेंडेंस। अब कोई स्टूडेंट समझे कि हम तो वीडियो देख के इसको कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो में आप तो देख ही लेंगे, बाद में वीडियो को बात के लिए रखा करें, ठीक है, अटेंडेंस ज़रूर लगाया करें और लाइव की क्लास लिया करें, जो क्वेश्चन है पूछा करें, फिर वो वीडियो बाद में देख लिया करें। मिड के चैप्टर्स कितने आएंगे मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है मिड से एक दो क्वेश्चन निकाल लूँ मैं, वरना अभी तक इरादा यही है कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर से नहीं लें, बाकी थर्ड चैप्टर से ले लें हम, अगर कोई सवाल बना, वरना तो आप फोर्थ से तो आपने पढ़ना शुरू कर देना, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ये 3 चैप्टर्स तो आप पढ़ेंगे, फाइनल के तो हैं ही, तीनों तो हैं फाइनल के, ठीक है। मैंने आपको मिड के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से मिड बनेगा, हमने ले लिया मिड। बाकी जो क्या कहते हैं क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन, 4, 5 और 6 चैप्टर्स, अभी 6 हाफ हुआ है तकरीबन, अभी रह गया है हाफ, हाफ से भी ज़्यादा रह गया तकरीबन, ठीक है, 1 से 2 क्लासेस 6 में लग जाएंगे, तो 6 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, बाकी एक छोटा चैप्टर है वो भी आ गया साथ, तो फिर ये टोटल 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 चैप्टर्स का आपका फाइनल पेपर में से 4 चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि 4 चैप्टर्स में से बने, बाकी स्टार्ट के 3 को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, यानी इसको टच ना करें, हम मिड ले चुके हैं उसमें से, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा। पीडीएफ मेरे बच्चों मैंने बोला था पीडीएफ निकाल लो, ये वीडियोस देखते हो ना उसी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं से निकाल लो, उसको पढ़ लो, और ज़रूरत नहीं है पीडीएफ की ज़रूरत, जब थी जब आपके को रिकॉर्ड नहीं था, अब तो आपके पास वीडियो है, आप देखें 10 मरतबा। अच्छा देख लेंगे, चलो पीडीएफ भी देख लेंगे, इसके अलावा बोलो और क्या मसला है। क्लियर है, गुड। गुड, सही, ठीक, अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये जरा वापस आते हैं हम अपने चैप्टर्स पे, ये है आपके सामने कर्व जो बना हुआ है, वो जो हम कर्व डिस्कस कर रहे थे वो ये था, ठीक है, हमने ये बनाया, ये वाला ये नॉर्मल है, ये इफेक्ट है, और ये क्या है, ये आपका है फाइनल ग्राफ, ठीक है ये। और अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और इसमें हम पढ़े थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अभी हमने जो फाइनल किया है वो था शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, TRTC अप्रोच और MR&MC अप्रोच। ये TRTC अप्रोच आपके सामने है, और ये है आपके सामने TRTC अप्रोच में आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये देखेंगे रहा वो 3 अप्रोचेस के 3 ग्राफ बनेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हो गया सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास अभी तकरीबन 10 मिनट्स हैं,
तो हम एक ग्राफ और बना लेते हैं इसका, ताकि इसको कवर कर लें हम। ये हमने बनाया है कौन सा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या करें, मुझे मुझे आप नॉर्मल प्रॉफिट का, चलें छोड़ें मैं खुद ही बना देता हूँ, इसलिए कि फिर आप टाइम लगा देंगे बनाने में। ठीक है, ये आपके सामने सुपर नॉर्मल है ना, अब हम नॉर्मल का भी एक कर्व बना लें ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, दोबारा आते हैं हम, शेयर करते हैं उस जगह। हाँ, वाइट बोर्ड पे आते हैं हम, ये हमारा वाइट बोर्ड है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक, ये आ गया आपके सामने, इसमें हम नॉर्मल का कर्व भी बना रहे हैं अभी। आप जरा इसको देखें, नॉर्मल का कब बनेगा, किस तरह कर्व बनेगा। नॉर्मल मीन्स जब हम बात कर रहे होते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो ये हमें क्या करने पड़ेगा, क्लियर, ये नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है। ऐसे हटा दें यहाँ से, ये हटा दें यहाँ से। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में आपकी कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट में आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होगी। ठीक है, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल होगी। अगर अभी हम बात करें, यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्ट नज़र आ रही है एम सी, ये नॉर्मल कर्व है, इसमें कोई इफेक्ट शो नहीं कराया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ बताएं इसमें टोटल रेवेन्यू कितनी है, मैंने कभी भी आपको 5 मिनट्स नहीं दी ग्राफ बनाने के लिए, मिनिमम 10 से 12 मिनट्स दिए, फिर 2 4 मिनट एक्सटेंड करके 15 मिनट्स दिए ग्राफ बनाने के लिए, 15 मिनट बहुत होते हैं ना। अच्छा, फिलहाल अभी देखें, अभी नॉर्मल कर्व बना रहे हैं हम, एक हमने कंप्लीट कर लिया था सुपर नॉर्मल। नॉर्मल किस तरह बनेगा देखें जरा आपके सामने, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या बताएंगे, सर टोटल, सॉरी, टोटल रेवेन्यू जो है हमारी वो है TEAO, टोटल रेवेन्यू TEAO। ठीक है, टोटल रेवेन्यू TEAO है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बना रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जहाँ पर इक्वल होती है वो कहलाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अभी आपके सामने जो कर्व बना हुआ है इसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं कराया। अब हम इसमें इफेक्ट शो कराने जा रहे हैं, और इफेक्ट शो होगा AC, यानी एवरेज कॉस्ट का कर्व जब हम बनाएंगे तो उससे आपका इफेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका ये कर्व कौन सा कर्व है। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। ये देखें एवरेज कॉस्ट के कर्व ने अब यहीं से कट करके ऊपर जाना है। यानी जितनी आपकी रेवेन्यू थी उतनी आपकी कॉस्ट है, ये बताना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने कर्व बनाया था तो उसमें AC को यहाँ से लिया था, यानी उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि AC आपका कम है और AR ज़्यादा है। AC कम है, AR ज़्यादा है, तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ रहा था। अभी हम दिखाना चाह रहे हैं AR और AC बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। AR और AC में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों जो है एक ही पॉइंट को कट करके आगे जा रहे हैं। इट्स मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट, सही है। इकोनॉमिक्स इस लैंग्वेज में या टर्म में हम डिस्कस करें, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होती है। ये आपका पॉइंट है जहां पर MC, AC और MR तीनों इक्वल।
अब मैं आपसे पूछूं, टोटल रेवेन्यू तो आपकी टी ई ए ओ आपकी टोटल रेवेन्यू है, अब बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है। आप लोग बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको, लिख के भेजे मुझे यहाँ पे चैट पर भेजे। टी ई ए ओ गुड, यही है TEA। जी 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 बिल्कुल गुड, ऐसे ही TEAO आपकी टोटल रेवेन्यू भी TEAO है, टोटल कॉस्ट भी TEAO ही है, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। तो ये आपका है कौन सा, ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पर आपकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू आपकी ये थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट की ये टोटल रेवेन्यू कर्व है और यही टोटल कॉस्ट का कर्व है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ये कहलाते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, इसको नॉर्मल प्रॉफिट ही बोलते हैं इसको। देख लें फिर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी ऐसे ही है। ठीक है, मीटिंग एंड होने में हमारे पास 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, और इससे रिलेटेड कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आपके पास ग्रुप बना है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिएगा, फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, बस को देख लें, उसके बाद के लिए खुद बहुत एंड हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।